फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपिका माय फ्रेंड्स में। और आज मेरे हॉबी का बर्थडे है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम लोग फिर बर्थडे सेलिब्रेट करने पहले मंदिर में आए हैं। मंदिर में पहले हम लोग पूजा करेंगे। पूजा करी हम लोगों ने और वो मैंने आप लोगों को दिखाया ये मंदिर है चामुंडा देवी का। और आज मंगलवार है तो मंगलवार को हनुमान जी की पूजा होती है। तो आज ये तो पार्टी शार्टी कुछ कर नहीं सकते, इन्हें पार्टी करने का वैसे बहुत शौक है। और आज आज इनकी बर्थडे के दिन जो है ना मंगलवार पड़ गया है, और ना आज ये कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए इनका मुँह ना चूहे जैसा होना हुआ चूहा। और 31st को भी ट्यूजडे है, ये कुछ नहीं करते। को कितने दुखी हो रहा है बहुत ज़्यादा इन्हें दुख हो रहा है कि आज इनकी बर्थडे के दिन जो ना ट्यूजडे पड़ गया है। और ना और अभी मैंने आप लोगों को बताने के लिए बोला कि ट्यूजडे को इनके बर्थडे वाले दिन ट्यूजडे पड़ गया, तो फ़ौरन पीछे से बोल रहे हैं कि नहीं 31st को भी ट्यूजडे यानी इनकी पार्टियाँ गई, बेकार हो गई इनकी पार्टियाँ। और आज अब शाम को हम लोग इनका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे वो भी मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगी। और देखिएगा फिर। ओके, वैसे भी ले लो जो आपको अच्छी लगे। आज इनकी बर्थडे है तो ये झक खरीद रहे हैं पापा मम्मी के लिए। कौन सी लेनी है? महन जी का बर्थडे है और आप यकीन नहीं मानोगे, महन जी इतना छोटा बनने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो उनकी हैबिट में है, वो अपने को छोटा बहुत मानते हैं। और एक केक काटने का भी बहुत शौक है, उनकी बर्थडे और केक उन्हें केक काटने का बहुत ज़्यादा शौक है। और अच्छे से अपने कहते हैं मुझे अपनी पार्टी बहुत अच्छी सी करनी है। और हम उनके मम्मी पापा हैं वो आवासिकास में रहते हैं, हम लोग से थोड़ा दूर रहते हैं, तो हम लोग उनके पास भी जाएंगे और वहाँ पर भी बर्थडे सेलिब्रेट होती है क्योंकि मम्मी पापा के पैर छूने होते हैं। और मम्मी पापा तो आखिर मम्मी पापा ही होते हैं और हर बच्चे के लिए अपने माँ बाप बहुत अच्छे यानी अच्छे ही होते हैं। और अच्छे हैं भी माँ बाप और बहुत प्यार भी करते हैं और इन्हें तो बहुत ही। और हम लोग अभी वहाँ जाएंगे और अब इनके बच्चे भी इनको देखो मिस कर रहे होंगे। और कल रात को 12 बजे बच्चों का फ़ोन आया था, बच्चों ने इनसे 1:30 बजे तक बात करी और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, कह रहे थे पापा अपनी बर्थडे के लिए। और इतना ज़्यादा मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा था कि जब आज बच्चों के बगैर, क्योंकि हमारे महन जी को केक तो ज़रूर होना चाहिए और अभी तक तो इनका केक कटा नहीं है यानी आज। और अब देखो अभी आवाज़ कर जाएंगे वहाँ क्या होता है, उसके बाद फिर रात को पार्टी शार्टी करेंगे थोड़ी बहुत। तो थोड़ा बहुत तो मैं भी करूँगी। केक तो मैं इसलिए नहीं मंगा रही क्योंकि फैमिली में सिर्फ हम दोनों ही हैं और केक खाएगा भी कौन अगर आ भी जाएगा, तो इसलिए मैं केक तो नहीं मंगा रही हूँ। लेकिन हाँ, उनकी पसंद का खाना बनाऊँगी और अच्छी अच्छी सी चीज़ें बनाऊँगी और देखो क्या करते हैं, आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। क्या है दीपिका, सारा सद का फर्जी केक बड़े आए, केक खाते हो नहीं? हे महन जी की बर्थडे का केक काटो काटो। मम्मी पापा देखो केक कटा रहे, समोसा खा रहे हैं। पहले केक काटो जल्दी से। अरे वो मोमबत्ती ढूंढ रही है, मोमबत्ती नहीं, ऐसे करो मम्मी। अरे ऐसे करो, देखो ना मम्मी मोमबत्ती ढूंढ रही है, एक मोमबत्ती तो लगाई लो। अरे केक खाया कौन, बच्चे बच्चे हैं नहीं। माता बैठो, तो बैठो
मम्मी बैठो बैठो ना, मैं बैठ जाऊंगी, आप बैठो पहले। अरे आप ना, आप पहले बैठो तो कटवाओ तो। हम लोग बोलेंगे चलो ताली हो जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बच्चे पापा समोसा खाने में लगे हुए हैं। चलो मैं भी खिलाऊं। लगा दी थी क्यों तुम सोच रहे बड़े यार। अरे मोमबत्ती तो बुझाई नहीं। खाते हुए बनाई लेते हैं समोसा। खाते हुए मैं समोसा खाऊं पूरा खा लूँ ना। तो ये कौन खाएगा? आप लो समोसा खा लो, मैं एक चीनी बर्थडे का समोसा। लड्डू भी है, केक भी है। सोनाक्ष मोनाक्ष तुम लोग भी देख लो, अपा का बर्थडे हो रहा है, दादा बाबा केक काट रहे हैं। हाँ सोनाक्ष मोनाक्ष इधर को मेरी सासू माँ, और ये सासू माँ की किचन है, कितनी साफ सुथरी अच्छी सी किचन बना के रखी हुई है इन्होंने। और इस किचन में एक खिड़की भी लगी हुई है, खिड़की से बाहर का भी दिखता है, और एक गैस रखी हुई है, और एक बहुत अच्छी सी किचन है, बहुत प्यारी सी, देखो कितनी अच्छी सी किचन है, कितना अच्छा सा सजा के रखा हुआ है इन्होंने। और अब हम लोग कॉफ़ी बना रहे हैं पीने के लिए। मैं पहले गर्म पानी कर रही हूँ, फिर कॉफ़ी बनेगी। मम्मी को बहुत ज़्यादा मम्मी काम करती रहती है, बहुएँ आजकल की नालायक होती है ना, मैं इनकी सेवा नहीं करती हूँ, तो बेचारी अपने आप काम करती हैं, वो सारा काम अपने आप करती हैं वो। और कॉफ़ी में भी तो थोड़ा सा पानी डालोगी कॉफ़ी में? कॉफ़ी पानी आप ले रही हो गर्म पानी? अच्छा तो मुझे दे रही। आजकल की बहू है वाकई बहुत नलायक होती है, दीपिका सारस्वत बहुत नलायक बहू है। ये देखो मेरी सासू माँ काम करती रहती है। आप गरम पानी लोगे? हाँ जाके पूछ के आओ ना। गरम पानी लोगे आप? लोगे? दवाई लोगी ना मतलब दो ही। नहीं मतलब गरम ही दिखती है, इनको गरम लेना होगा ना। इतना सारा पी लोगे इतना गरम पानी? जब बटर खाते तो ऐसे निकाले गए कि पूरा बटर का टिक्की भी तो खा जाते हैं। पहला तो मैंने आप ही होगा। वाली क्यों नहीं घुमाती है नेस्कैफे वाली? ये फिर वीडियो के लिए चलो वही मंगा दे दे। मैं बना रही थी ना, अब आप जब बना चीनी डालनी आज आपको यहाँ कूड़े वाला डब्बा भी नहीं रखा।
अच्छा जी ठग आने चलिए कॉफी फेसबुक पे सबको पता पड़ जाती है। कॉफी तैयार है। हाँ एक ऑर्डर कर लूंगा। और पैसा वैसे मत लियो, बता दिया इन्हें बड़ा शौक है पैसे उन्हें बांटने का होने का, उन्हें बड़ा सबके ले लेके पैसे जेब में रखने का बड़ा शौक है। अब फिर लड्डू खा लेंगे। ये मेरे छोटे बेटे का फ्रेंड है और मेरे दोनों बेटे बैंगलोर में रहते हैं। और ये बेटे के फ्रेंड यानी मेरे बेटे ने अपने फ्रेंड से कहकर मयंक जी के लिए गिफ्ट भिजवाया है। क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहते हो? अच्छा तो तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाले थे क्या उसने? और उसने अपने पापा के लिए गिफ्ट भेजा। गिफ्ट में क्या जा, खोलो गिफ्ट नहीं खोलेंगे। आप गिफ्ट की पैकिंग समझ के ही समझ जाओ क्या है इसके अंदर, क्योंकि ये गिफ्ट खोल नहीं रहे। आज बर्थडे है क्या? हाँ आज अंकल का बर्थडे है। बच्चे बाहर हैं, समय से चल रहा है क्या? तुम खोल रखा है? गिफ्ट खोल रहे हैं। इनके बच्चे इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और पापा से रात के 1:30 बजे तक बातें करी उन्होंने, और पता नहीं क्या क्या बातें करी। और गिफ्ट आज इनका मंगल है। और देखो क्या निकलने वाला है इसके अंदर। अच्छा ओहो, अब तो मयंक जी की ना टपक रही होगी टप। नहीं नहीं तो ऐसे ही भेज देता कोई भी खुशी। देखना क्या भेजा है, दिखाओ क्या भेजा है। ये देखो इनके बच्चों ने इनके लिए ये भेजा है, अपने पापा की फेवरेट। और ये उसका दोस्त है, कितना बदतमीज है, ये लेके आया है बताओ। अच्छी बात है ये तुम्हारी, ठीक है। देखो ये भी नहीं पता बर्थडे। अच्छा बोला घर पे देते ना, बस पहुंचा गया। काम कर दी थी मतलब ऐसे।